अच्छा मेरे दोस्तों जनाब, आपको पता है कि आज हमें प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि हम बिजनेस नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, तो घर पर बैठे हैं। डैडी जो है आप मुझे घर से बाहर निकाल देगा, शायद आपकी भी यही कंडीशन होगी। बराबर बराबर। तो लिहाजा मैंने आपको इसलिए यहाँ बुलाया है, हम कोई बिजनेस के बारे में कोई एक सिचुएशन तैयार करेंगे जिससे हमें बिजनेस बने, काम बने, पैसा आ जाए, खुला पैसा, करोड़पति बन जाएंगे हम। बराबर, ये मेरा वादा है। तो आप चारों से सब करोड़पति बन जाओगे, लेकिन अगर आप मेरे आइडिया पे चलोगे तो जरा मुझे वार्म अप करने दो, आइडिया आ जाता है। आइडिया ये वार्म अप, आप ही वार्म अप करो, है ना? आ गया आ गया आ गया आइडिया आ गया। 4G से भी तेज स्पीड है। तो मसला ये है, हम एक काम करेंगे, जो गाड़ियां चलती है ना, जो गाड़ियां लेते हैं, ट्रक लेते हैं, टिपर लेते हैं, जो उनको दिन की आमदन हुई होती है, मैंने एक ऐसा आइडिया, मुझे इस वक्त आया कि हमें टिपर, तीन तीन टिपरों का फायदा एक ही दिन में आएगा। तीन तीन टिपरों का फायदा, जहाज होगा, फिर जहाज होगा, तीन तीन टिपरों का फायदा। अब इसमें पता क्या मसला है, अब आप पूछोगे कि वो क्या आइडिया क्या है। आइडिया बताओ, बोलना पड़ेगा। आइडिया ये है कि आपने देखा कि किश्तवाड़ से पाडर तक, किश्तवाड़ से पाडर तक रोड नहीं है, रोड नहीं है बिल्कुल, और वहाँ खचरे जाती है, खचरे, खचरों पे वहाँ सामान लिया जाता है। बराबर है जी, बराबर। तो उसमें क्या है कि दो खचरे तीन टिपरों का मालिक को कमा कर देती है एक दिन में। गुड आइडिया। तो लिहाजा हम एक काम करते हैं, हम चारों मिलके दो खचरे लेते हैं, दो, ये कमाल का आइडिया, दो खचरे, दो खचरे लेते हैं, और दो खचरों को जब हम पाडर रोड पे लगा देंगे तो एक एक दिन में जब हमें 10-10 लाख रुपए आना शुरू हो जाएगा, 5 लाख शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ बड़ा पैसा मिलता है। हाँ। तो समझो कि हम करोड़पति हो गए। हाँ। और लाइसेंस की भी जरूरत नहीं, लाइसेंस की भी जरूरत नहीं, चालान भी नहीं होगा खचरों को, बराबर फ्री ऑफ। तो मुझे जरा आइडिया और आने दो, आइडिया, ये आइडिया, ये आइडिया आ रहा है मुझे, आ गया आ गया आइडिया। सुनो सुनो सुनो, हम एक काम करते हैं, आपके पास कोई पैसा शैसा है? थोड़ा बहुत हो जाएगा, फिर अभी अभी कुछ नहीं है मेरे पास, करेंगे कोशिश, कुछ थोड़ा बहुत, कुछ भी नहीं मेरे ख्याल से, कुछ आज है ही नहीं, कुछ नहीं। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले चारों आदमी पैदल चलेंगे किश्तवाड़ से पाडर तक, पैदल। बोलो क्यों? वो क्यों बोलो क्यों पैदल क्यों? इसलिए कि जो वहाँ आज खचरे चल रही है, चल रही है ना, चल रही है, चल रही है, चल रही है। मैंने सुना है कि खचरों के पैर नाजुक होते हैं। हाँ। उनको नाल लगाए जाते हैं पैरों को। हाँ, हाँ, लोहे की नाल लगती है, लगती है ना, लोहे की नाल, हाँ, लगती है। तो हम सबसे पहले उन नालों को ढूंढने के लिए चलेंगे, खचरों की नाल। हाँ। वो हम चारों चलेंगे। दो घोड़ों के लिए कितने नाल आते हैं बोला? दो घोड़ों के लिए दो, दो नाल, छह, चार नाल, नौ, आठ, छह। वो तो टू व्हीलर होते हैं यार, फोर व्हीलर, घोड़े फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर। ओके, कितने नाल आते हैं? तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ नाल। हाँ, आठ, आठ नाल हम ढूंढने चलेंगे। ठीक है, ठीक है। हम, हमें महीना लगे, दो महीने लगे, 15 दिन लगे, तो हम वो नाल ढूंढ के लाएंगे। जब हम पहुंचेंगे यहाँ घर में, बचा लिया हमने नालों का खर्च भी। बच गया आइडिया, बच गया ना खर्चा, जीएसटी भी नहीं लगेगा। जीएसटी भी नहीं लगेगा, आइडिया। अब मुझे एक ख्याल और आ रहा है, और उन नालों को लगाने के लिए कीलों की जरूरत पड़ती है, कीलों की, मगर वार्म अप करना पड़ेगा फिर। हाँ, तो कील जो है, कील आठ, आठ नाल लाने हैं ना हमें। हाँ, एक नाल को 6 कील लगते हैं, तो 8 नालों में कितने लगेंगे? 16 यार, 48 की। तो फिर हम दूसरी एक बार तो हम ले आएंगे ना वो नाल, दूसरी बार हम जाएंगे अब कील ढूंढने के लिए। जब हम कील भी लाएंगे, आगे हमने कील लाए, लाए हमने कील, बन गए हमारे पास नाल भी, कील भी, अब क्या बकाया रहा हमारे पास?
बड़ा काम हो गया जब वो आ जाएगा उसके बाद घोड़े लेना क्या बात है, जब इतना सामान इकट्ठा कर लिया फिर घोड़े भी ले लेंगे और काम को स्टार्ट करेंगे और करोड़पति हो जाएंगे। मिलाओ हाथ फिर और लगो गले, लगो जी गले। मगर मुझे जाना है फिर केबीसी खेलने अमिताभ बच्चन के साथ, कौन बनेगा करोड़पति, और खचरों का बिजनेस करने के बाद पक्का जा सकती हो। दोस्त होना चाहिए ऐसा जो आइडिया दे। या अल्लाह जान, 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 या अल्लाह आज लिहाजा मांगस बो या अल्लाह जान। क्या दलील, क्या दलील, نسا دنیا منگن جنت تو سچے منگن جہنم کیا مسئلہ سکریو معلوم چکا اے دشے کے پانی مجبوری سنا کیا مجبوری چھم میں کے مجس پن منگن کی میتوان یہ مجبوری کیا چھ دنیا منگن جنت تو سچے سچے وے واریا جمہوری ہاں سم مان میں ش کے زری گا تو سچے کیا چھ منگن بوش وارن تم میں خدا ہے میں جہنم بگا سا جہنم نسا دنیا ش منگن جنت سچو منگن جہنم میتوان کیا ہے اچھ وجہ वन से क्या वजह से बहुत सा वजह से ट्रेन के बस खा हां वन 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 पूछो यलब जहन्नमस गस ठीक पता छी से हां यलब जहन्नमस गस ठीक कोई जनता समझ गसो इतिहास में ने ये नमाज गुजारे ये थरी हां ठीक है हां लग रहा नहीं नमाज पढ़ी तो इतनी हां लिहाजा जहन्नमस गसो कैसा ऐसे हेमा मालनी ऐसे जनतामान ऐसे परवीन भाभी ऐसे पता छी इमकुम छे کمال ووت سان بہت گوس دل گوس بمبئی گوس سچام پاتن مچھ رائے برابر پہ السلام علیکم السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہو ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک بیٹھو بیٹھو بولے کیا حال ہے بس ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک ٹھیک باہر بڑی سردی ہے اچھا بارش برف پڑ رہی ہے برف پڑ رہی ہے اچھا اب میں نے سوچا मैं जाऊंगा गोलकाके के पास उधर गप मारेंगे। आप गप्पे मार रहे थे पता क्या बात है? अच्छा जी आपके आने से पहले इसने हमें गप एक सुनाई। अच्छा बड़ा मजा है। अच्छा बड़ा मजा है। तो अब ये मेरा नंबर है। आप सुनो। मेरे बाद तुम्हारा नंबर है। चलो ठीक सुनो है, ठीक है। मैं आपका गप सुनाता हूँ। एक बादशाह था, वो बादशाह जो था उसने एक बार ऐलान करवाया। क्या करवाया? ऐलान करवाया। उसने ऐलान करवाया अपनी पूरी बस्ती में कि भाई जो सबसे बड़ा आलसी 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 जो सबसे बड़ा शिकस्त मतलब शिकस्त बोलते हैं उसको कश्मीरी में, सबसे बड़ा आलसी, सबसे बड़ा वो मतलब ऐसे आदमी, ऐसे सुस्त आदमी जो भी यहाँ आएगा और जो सबसे बड़ा मुझे नजर आएगा आलसी, उसको मैं इनाम से नवाजूंगा, उसको मैं इनाम दूंगा। तो उसके वो वजीर, वजीरों ने ऐलान कर दिया आगे। तो गए जी ढोल बजाने वाले, उन्होंने पूरे इलाके में ढोल बजाकर कहा कि भाई बादशाह सलामत का हुक्म है कि जो सबसे बड़ा आलसी यहाँ हमारी इस रियाया में है वो आके अपना इनाम ले जाए, लेकिन साबित करना होगा कि मैं सबसे बड़ा आलसी हूँ। आने लगे जी बड़े बड़े आलसी आए, ग्राउंड भर गया आलसियों से, ग्राउंड भर गया जो मतलब जो कोई काम नहीं करते हैं, कोई किसी की बात नहीं सुनते हैं, कोई मसला नहीं होता है, कमाते नहीं है, उनकी एक लाइन लग गई। तो सब एक एक करके तो बादशाह के पास जाकर तो बोलने लगे। कोई बोलने लगा जनाब मैं बिल्कुल नहीं कुछ कमाता हूँ, मुझे बाप खिलाता है। तो कहता ठीक है तुम कुछ नहीं कमाते हो, ठीक है बैठो तुम इधर। दूसरा आता है कहता जनाब मैं तो उठता ही नहीं हूँ, मैं ऐसे बैठा रहता हूँ, मुझे आगे प्लेट भी आती है, चावल भी आता है, दाल भी आती है, पानी भी आता है, खाता हूँ मजे से और बैठा रहता हूँ। तो बादशाह उसको बोलता है कि चलो तुम भी एक शिकस्त लाता है। इसी तरह से अपनी अपनी
अपना अपना जो आलसीपन जो है वो सबने दिखाया, तो खत्म होते रहे लोग वहां पे। तो लास्ट में एक आदमी है जो बीच ग्राउंड में सोया हुआ, क्या है, सोया हुआ। अब बादशाह की जब नजर पड़ी तो उसको बोलते हैं वजीर जाके कि भाई बादशाह ने हुक्म किया है, जाओ तुम भी अपना बोलो, क्या पता तुम्हें इनाम मिले। वो उधर से कोई बात नहीं सुनता है, वो सोया हुआ उधर बैठा है। तो वो आए दोबारा बादशाह के पास, बोलने लगे बादशाह सलामत, ये तो उठ ही नहीं रहा है, इसको तो हमने घर से भी उठाकर लाया, घर से उठाकर यहाँ इस ग्राउंड में डाला है, तब का ऐसे ही टेढ़ा पड़ा है। तो अब बादशाह सोचने लगा नहीं भाई इसको तो यहाँ आना है, इसको तो अपनी बोलना, मैं कितना आलसी हूँ इसको तो बताना पड़ेगा, तो जाओ इसको अगर नहीं आता तो उठा के ले आओ। गए सिपाही दो चार, तो उसको उठा के तो बादशाह के सामने रख दिया। अब वो बोलता है बादशाह बता भाई तू कितना बड़ा आलसी है, क्या बोलता है तू कितना बड़ा आलसी है, तू कितना बड़ा शिकस्त है। तो वो चुप, वो नहीं कुछ बोले, कहता यार कुछ बात तो कर हमें पता चले तेरी औकात का। तो वो बोलता है जनाब आपने ढंडूरा दिलवाया। अब वो आलसी क्या बोल रहा है, कहता आपने ढंडूरा दिलवाया, मैंने भी सुना लेकिन मैं घर में ही सोया रहा, ढंडूरा देकर कौन वहां से उठता और कौन इस ग्राउंड में आता। बादशाह देख रहा है कि भाई ये क्या बता रहा है, कहता आप जब इन्होंने मुझे उठा के लाया इधर तो वहां से कब मैं उठूंगा और आपके पास आता, उतना टाइम ही नहीं मेरे पास, और अगर मैं आ भी जाता फिर आप सवाल करते तो जवाब किसने देना, उतना वक्त ही नहीं मेरे पास, अगर फिर मैं जवाब देता भी तो फिर मुझे आप इनाम देते, तो वो इनाम में पकड़ता कब, उतना मेरे पास टाइम नहीं। तो फिर मैं जब वो इनाम पकड़ता भी तो घर किसने लेना था वो। तो कहता जब मैं घर भी ले जाता तो वहां उस रकम को खर्चाने के लिए कौन निकलता है, इतना बड़ा आलसी। बादशाह कहता भाई सबसे बड़ा आलसी यही है, सबसे बड़ा आलसी। कैसी रही बात, क्या बात है, चलो अब आप सुनाओ।